खंडवा में सोयाबीन की उपज का उचित दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। नाराज किसानों ने मंडी का गेट बंद कर कर्मचारी और अधिकारियों को अंदर बंद कर दिया। इसके बाद किसानों ने इंदौर रोड पर चकाचाम कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस के अफसर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। इस दौरान इंदौर नाके के पास रोड कई समय तक जाम रही। खंडवा की कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की उपज को लेकर किसान कम दाम मिलने से आक्रोशित हुए और करीब 2 घंटे तक हंगामा किया। किसानों का कहना था कि सुबह सोयाबीन की उपज का दाम 5,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक मिल रहा था, जबकि दोपहर के बाद इसके दाम 3,000 से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गए। इसके बाद जब किसानों ने मंडी के अधिकारी कर्मचारियों से इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता देख किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने मंडी के अमले को ही मंडी का गेट लगाकर बंद कर दिया। हंगामेदार स्थिति की सूचना मिलने के बाद CSP TI सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले का पटाक्षेप कराने की कोशिश की, लेकिन किसान बड़े अधिकारियों से मिलने की बात कहते रहे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसानों का चकाजाम हटाकर रास्ता साफ कराया। लेकिन मंडी में जब 3 घंटे से वेट करा तो वो कोई नहीं रह सकता क्या? समाधान नहीं होता तो फिर आप स्वतंत्र SDM साहब आ जाए, उससे बात कर लो, अगर उसके बाद आपका समाधान नहीं होता। एक मिनट सर, SDM साहब को आने दो, कलेक्टर साहब को आने दो। हम 3 घंटे से वहाँ बैठे थे। एक मिनट, हम 3 घंटे सुनो सर, एक मिनट सर, आप 3 घंटे से वहाँ बैठे, आप आए क्या? नहीं आए ना, आप आधे घंटा नहीं हो आ गए ना, कलेक्टर साहब को आने दो। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना रोड खराब कर रहे हो इनके बीच। इंदौर के पेशेंट जाते हैं, इंदौर के पेशेंट जाते हैं इसी रोड से। बात करने का जो है आपको बता दिया कि चर्चा हो जाएगी, साइड में हो जाएगी, रोड रोकने गलत है। मैं यहाँ पर किसान हूँ और अपनी सोयाबीन लेके आया हूँ। सभी किसान भाइयों के आज मंडी में सोयाबीन हेतु नीलामी शुरू हुई और एक ग्रेडिंग किया हुआ सोयाबीन उचित दाम पे ना मिलने के कारण, किसान को ना मिलने के कारण ये विवाद का व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और दूसरी बात, किसानों के साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ है। व्यापारियों के माध्यम से किसान को अवहेलनाजनक व्यवहार किया गया है और इसी को लेकर किसान आक्रोश में आया, भाव को लेकर आक्रोश में आया और फिर इस लड़ाई, जिसको बोलते हैं कि एक मांग का, किसान की मांग का कहीं ना कहीं उदय हुआ। अधिकारियों को इसलिए बंद कर दिया गया था कि अधिकारी जब किसान आए निवेदन करने तो अधिकारियों के माध्यम से भी किसानों के साथ उचित जो एक व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार नहीं हुआ है। चूंकि पंच परमेश्वर होता है, सारे किसान थे एक जैसे, कोई नहीं था वहाँ पर कि कोई वो समाधान की कड़ी, हालांकि किसानों ने नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है बाहर जाओ। किसान अंदर आने लगे कि नहीं हमको अंदर आने दो, हम अफसर से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले अफसर कोई नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। इस वजह से किसानों ने निवेदन है तो अंदर आए। अपने सचिव मैडम से बोला कि पुनः नीलामी हम चालू कर दे, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिला। दूसरी बात, किसानों की मांग थी कि भाई किसान जो परेशान होते हैं, व्यापारी प्लांट तक किसान को माल लेके जाना पड़ता है, किसान को यहाँ से मंडी से जो डीजल खर्च होता है, उसका समय बर्बाद होता है, ये सारी चीज़ किसान का नुकसान है। अपना परिचय दे दीजिए जी। हंगामा किसानों ने किया और क्या मांग थी उनकी? आज मंडी में दोपहर के बाद में थोड़ा सा सोयाबीन के रेट को लेकर किसान थोड़ा सा विवाद कर रहे थे। एक्चुअल में क्या है, उन लोगों ने कहना कि शायद रेट हमें कम मिल रहे हैं, सुबह जो रेट चल रहे थे वो शाम को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन माल की जो क्वालिटी रहती है उसी के हिसाब से रेट डिसाइड होते हैं। और आज दिन भर की जो भी रेट्स वगैरह बिकी है गाड़ियाँ 4,849,000 के समथिंग बिकी है और कुछ एक दो लाट जिनकी क्वालिटी अच्छी थी 6,000 के समथिंग रेट बिके हैं। तो किसानों को हम समझाई दे रहे हैं कि नीलामी हम फिर से चालू कर रहे हैं, अगर आप एग्री नहीं है तो हम फिर से नीलामी चालू
देते हैं, लेकिन किसान अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। कितनी आवक थी? अभी जो गाड़ियां बची हुई है वो कम से कम 70-80 ट्रॉलियां बची हुई जो नीलाम करने के लिए शेष रही है, तो किसानों को भाई ये रेट का हमें बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा है, तो हम नीलामी नहीं होने देंगे। मंडी कर्मचारियों को मतलब बंद कर दिया था कार्यालय में? हाँ, कर्मचारी को भी शायद अंदर बाहर से उन्होंने लॉक कर दिया था, तो फिर डीआई साहब और थाने से आए और नायब तहसीलदार भी आए हैं, तो हम उन लोगों से चर्चा करके इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी नीलाम चालू कराई जाए। क्या नाम है मैडम? शर्मिला ने नाम है, मंडी सचिव खंडवा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।